Hey, good morning everyone and welcome back to Abit Travel. Good afternoon actually. 12:45 के आसपास हो रही है. हाँ. तो कल जैसे आप लोगों ने देखा कल हम आके पहुंचे पदुम and we were deadly tired. The roads were pathetic. Proper off roading है. बहुत ज्यादा थक गए थे हम बस आके डिनर करके सो गए. तो अभी बस हम बिच्छू को लेके आए थे साफ सुफ करवाने के लिए क्योंकि बहुत गंदी थी. बहुत ही ज्यादा गंदी थी. तो अभी आज दिन का बस एक साइट सीन अभी जाएंगे यहाँ पे पास में एक है शिला वाटरफॉल उसको देखेंगे बस उसके बाद आके लंच वंच करके फिर रूम पे आराम ही करेंगे आज. नो मोर नथिंग. सनसेट देखने जाएंगे शाम को. एक जाएंगे पिवतिंग कॉम्पा करके है थोड़ा सा पहाड़ के ऊपर है उससे सनसेट काफी अच्छी मिलती है. शाम को वो जाएंगे तो दिन का आज का यही बस प्लान है. तो यहाँ से बस निकलते हैं अभी शिला वाटरफॉल में चलते हैं वहाँ पे मिलते हैं. 15 मिनट के आसपास का रास्ता है बस. चल हमने यहाँ पीछे लगा दिया बिच्छू को एंड थोड़ा सा बस चलते हुए चलेंगे वाटरफॉल की तरफ क्योंकि ये काफ़ी नैरो जगह है तो यहाँ से कोई भी गाड़ी लेके आना इस टफ. एंड ये दिख रही है सामने शिला वाटरफॉल. ये वाटरफॉल हमारे लिए आज प्राइवेट एंड एक्सक्लूसिव. पानी में अभी ऐसा लग रहा है ना वो हिस्सा जो हिस्सा डूब के है उसको आप कंटिन्यूस रख नहीं सकते हो इसलिए अंदर बाहर करना पड़ रहा है. बढ़िया है. चलो हम थोड़ा पत्थर के ऊपर जाते हैं. हाँ. तो भाई साहब क्या जगह है. मस्त है एकदम आइसोलेटेड मानो के सिर्फ हमारे लिए थी है ना. तो मस्त आप आके अच्छा खासा टाइम स्पेंड करो फुल फोटोशूट करो. बढ़िया जैसे हमने किया. हाँ भागा दौड़ी नहीं आराम के दिन में यहाँ आराम आराम से आओ घूमो फिरो अपना एंजॉय करो और फिर आराम आराम से वापस जाओ है ना. तो चलो चलते हैं. क्या सुंदर जगह पे है मनास्टी और इसका आसपास का एरिया. हमारे घाट पूरा खाली एकदम बहुत ही सुंदर. दोनों साइड में अगर एकदम प्लेन जमीन होती एकदम हरी भरी ग्रीनरी लगती. इस साइड में नदी है इस साइड में नदी और इस साइड में एकदम फ्लैट पूरा फ्लैट टर्मैक. एंड आई थिंक वो दूर में जो पहाड़ के ऊपर दिख रही है दैट इज द मॉनेस्ट्री. तो इसी की मॉनेस्ट्री टाइप वाइब देती है स्पीति का. ये हम पहुंच गए करसा विलेज एंड वो ऊपर आई थिंक इट्स करसा गोंपा. यहाँ से 1.8 किलोमीटर 3 मिनट के आसपास पदुम मार्केट से कुछ 8-9 किलोमीटर है 17-18 मिनट लगती है. पहुंच गए हम करसा गोंपा. पार्किंग कर दिया पीछे और अभी बस गोंपा की तरफ चलते हुए जा रहे हैं.
हमने देख लिया गोम्पा, ये पीछे इनका मेन एंट्रेंस है, उधर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो आप बस बाहर का ले सकते हो, बट अंदर काफी सुंदर है, बढ़िया से है। लेफ्ट साइड वाला है ना, लेफ्ट साइड वाला पुराना गोम्पा है, पुराना जो था सब रखा हुआ है, और राइट में उन्होंने नई कर रखी है पेंटिंग करके, और इनके गुरुजी है ना, हाँ उनका मम्मी रखा हुआ है, आप थोड़ा सा लाइट जला के देख सकते हो अंदर, वो बताते हैं आपको कहाँ पे लाइट जलानी है, लाइट जला के देख, फ्लैश ऑन करो और देखो, तो मस्त है, छोटी सी गोम्पा है, काफी सुंदर है, तो पक्का आके आप लोग टाइम स्पेंड करो यहाँ पे, है ना, बहुत ही नजदीक है पदम से, भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है हार्डली, हालांकि आज सैटरडे है फिर भी, हाँ एग्जैक्टली, हाँ तो कोई ना, हम बस यहाँ से निकलते हैं, अभी चलते हैं मार्केट की तरफ, चलो। दिख रही है पीछे, इट्स जस्ट लाइक अ पेंटिंग, मतलब खुद पेंट नहीं कर सकती ऑब्वियसली, बट हाँ देख लो कि पेंटिंग भी ऐसी हो सकती है, yes. है ना, बहुत ही पास है एकदम, और बट आप गाड़ी लेके भी आ सकते हो, जैसे हमने दिखाया कि कंक्रीट रोड पूरा बना हुआ है, शाम के टाइम पे मस्ट विजिट, दिन के टाइम पे मत आओ, हाँ क्योंकि गर्मी रहेगी, हाँ अच्छी वाली तो मजा नहीं आएगा, बट हाँ इस समय 6 बजे के बाद, अभी कुछ 6:30 के आसपास बज रही है, 6 बजे के बाद आ जाओ एंड आराम से बैठ के टाइम स्पेंड करो, सनसेट एंजॉय करो, सनसेट देखते है, थोड़ा सा मौसम ओवरकास्ट है तो नॉट श्योर, बट लेट्स सी, भाई साहब कभी क्या ही सनसेट थी, मतलब हाँ मतलब कुछ कितना भी तारीफ कर लो, पीछे दिख रही होगी पीछे का कलर, हाँ इट्स ब्यूटीफुल, अनबिलीवेबली गुड है ना, मस्त आओ टाइम स्पेंड करो जैसा हमने बोला, तो हमने तो आराम से लेके आओ 1.5 घंटा, यस, और वेट करो सनसेट होने का, यस है ना, और व्हाट अ सनसेट है ना, इट्स अमेजिंग, शायद ऐसा कभी कहीं पे देखने को मिले, दिस इज टू गुड, तो आज का हमारा बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल सा डे था, हाँ ऐसा ही प्लान था, लीजर, यस लीजर प्लान था, तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पे क्लोज करेंगे, हाँ यहीं पे क्लोज करते हैं, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, जेंट्स का सीरीज कैसी लग रही है बताओ, है ना, यस, आगे के ब्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब करो, करो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, चलो।